मैं संस्कार अपने YouTube चैनल टेक्निकल संस्कार में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड सभी बातें बताने जा रहा हूँ। क्या आपकी शॉर्ट वीडियो का वॉचिंग टाइम जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता है? दोस्तों, आप इस वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें और अंत तक देखें। यदि आपको शॉर्ट वीडियो के बारे में सही जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं अपने एक यूट्यूब चैनल पर केवल शॉर्ट वीडियो अपलोड करता था, क्या उसका वॉचिंग टाइम काउंट किया गया है या नहीं किया गया है? चलिए हम देखते हैं। पहले हम यूट्यूब स्टूडियो पर वॉच टाइम देखेंगे, फिर क्रोम पर देखेंगे। हम अपनी मोस्ट पॉपुलर वीडियो का वॉच टाइम देखते हैं और फिर पूरा वॉच टाइम देखेंगे। पहले हम सबसे ऊपर वाली वीडियो देखते हैं। इस वीडियो पर 181,179 व्यू हैं। चलिए हम इसे देखते हैं। इस वीडियो से मुझे 437 घंटे वॉच टाइम मिला है। चलिए अब सब्सक्राइबर देखते हैं कितने मिले हैं। इस वीडियो से मुझे 79 सब्सक्राइबर मिले हैं। देखिए, लाइफ टाइम में मेरा वॉच टाइम 4,180 घंटे है, लेकिन मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में मेरा वॉच टाइम देखकर आप चौंक जाएंगे और ये क्यों होगा, किस गलती से होगा, आप इस वीडियो में देखेंगे। हम अपना क्रोम ओपन करते हैं और देखते हैं। मेरा वॉच टाइम केवल 11 घंटे हुए हैं, जबकि मेरे केवल एक वीडियो का वॉच टाइम 447 घंटे थे। ये क्यों हुआ, आपको मैं इस वीडियो में सही से बताऊंगा। मेरे जो व्यू हैं अधिकतर शॉर्ट फीड से आए हैं, इसलिए मेरा वॉच टाइम कम काउंट किया गया है। मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में मेरा वॉच टाइम ना के बराबर है, इसलिए आप अपने शॉर्ट का SEO अच्छे से करें ताकि आपके व्यू ब्राउज फीचर से आएँ और आपका वॉच टाइम अधिक से अधिक काउंट किया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आप सब लोगों का धन्यवाद।